रुख करते अगली खबर की ओर। जयपुर में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जयपुर पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है। तो कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अजयपाल लामा ने प्रेस वार्ता करी और कहा कि अनावश्यक रूप से अगर कोई घर से बाहर निकलेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं निजी वाहनों को जयपुर पुलिस की ओर से जब्त किया जा रहा है। बीते दो दिनों में करीब 1500 से अधिक वाहनों को जयपुर पुलिस ने जब्त किया है। वहीं पैदल चलने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अजयपाल लामा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिल रही है कि कुछ मकान मालिक डॉक्टर नर्सिंग कर्मी पैरामेडिकल और अन्य स्टाफ को घर से निकालने की बात भी कह रहे हैं। चिकित्सा विभाग ने इसे राजकार्य में बाधा की श्रेणी में माना है। अजयपाल लामा ने कहा कि कोई भी मकान मालिक अगर मेडिकल स्टाफ से जुड़े कर्मचारी और डॉक्टर को परेशान करेगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ये भी कहा कि बिग बाजार ने होम डिलीवरी सर्विस शुरू की है। जयपुर पुलिस का फोकस है कि दुकानों पर भीड़ कम से कम हो।